छतरपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें दो ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रकों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दर्दनाक ट्रक हादसा छतरपुर के माता गुमा में हुआ। बताया जा रहा है कि सागर कानपुर हाईवे पर फॉर्मिक एसिड केमिकल से भरा ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, वही ट्रकों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जेसीबी की मदद से 3 घंटे में रास्ते को साफ करवाया। दो ट्रक आमने सामने टकराए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर का पासिंग है जिसका नंबर है MP09HH2188 और दूसरा है उत्तर प्रदेश पासिंग UP78CT1557 जिसमें फॉर्मिक एसिड लदा हुआ था। चेन्नई से कानपुर के लिए जो चपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है, तो ये आमने सामने की टक्कर में अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि दोनों चालक एक्सपायर हो गए हैं और कुछ लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।